गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, पार्ट टू में इनको लेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड में या वन मार्क्स में आते हैं। कोरल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज विच लिव इन कॉलोनीज। अल्पजीवी अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक साथ रहते हैं, यानी बहुत ही छोटे जीव होते हैं ये, और ये एक साथ रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है एड डेल्टा, इट इज़ ए ट्राइंगुलर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ ए रिवर। द रिवर बिकम्स स्लो एंड द माउथ ऑफ द सी सो मड एंड सिल्ट सेटल डाउन एंड फ्रॉम द डेल्टा डेल्टाज आर फर्टाइल लैंड। इसका अर्थ हुआ यह नदी के मुख पर अपरदित पदार्थों का त्रिभुजाकार जमाव है। समुद्र के मुख पर नदी का बहाव मंद हो जाता है, जिससे मिट्टी और गार दोनों नीचे जमा हो जाती है और डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा उपजाऊ भूमि होती है, फर्टाइल लैंड होती है डेल्टा, और ये मिट्टी और गार नीचे जमा हो जाती है, उससे डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा बन जाता है। थर्ड पॉइंट है एस्टुअरी, इट इज ए नैरो डीप वैली एट द माउथ ऑफ ए रिवर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जवार नदमुख इसको कहते हैं। यह नदी के मुख पर संकरी और गहरी, यानी डीप वैली, संकरी होती है जहाँ जल का बहाव अथवा लहरें तेज होती है, और इनका बहाव इतना होता है कि जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज होता है। ए टेरीब्यूटी इज दैट रिवर विच जॉइंस द मेन रिवर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। टेरीब्यूटी किसको कहते हैं? वे नदियां जो मुख्य नदियों से उत्पन्न होती है, समुद्र में गिरने से पहले नदी के मुख पर इसका निर्माण होता है। डिस्ट्रीब्यूटी किसको कहते हैं? ए डिस्ट्रीब्यूटी इज दैट रिवर विच ऑर्गेनेट्स फ्रॉम ए मेन रिवर। इट इज फाउंड नियर द रिवर्स माउथ बिफोर इट फॉल्स इनटू द सी। ये वे नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदियों से उत्पन्न होती हैं तथा समुद्र में गिरने से पहले नदी के मुख पर इसका निर्माण होता है। गॉर्ज, महाखड इसको कहते हैं। द स्टीप साइडेड नैरो एंड डीप वैली ऑफ ए रिवर फॉर्म्ड इन इट्स अपर कोर्स इज फॉर्म्ड एज ए गॉर्ज और ए कैनियन। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑन आई शेप्ड वैली। ऊपरी बहाव में नदी द्वारा निर्मित संकरे खड़े किनारे गहरी घाटी की महाखड को कहते हैं। इसे अंग्रेजी में आई अक्षर की आकृति वाली घाटी भी कहते हैं, यानी आई अक्षर वाली घाटी भी इसको कहा जाता है। रिप्ट वैली किसको कहते हैं? ए रिप्ट वैली इज द वैली विच हैज बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द सब्सिटेंस सिंकिंग ऑफ द लैंड मास बिटवीन टू ब्लॉक्स ड्यू टू फॉल्टिंग। इस घाटी का निर्माण किन्हीं कमियों के कारण किसी भूभाग के दो टुकड़ों के बीच धंसने से होता है। और लास्ट है सैंड ड्यून, यानी रेत का टीला। ए माउंट राइज ऑन लो हिल ऑफ लूज वाइंड ब्लोन सैंड। हवा द्वारा बनी रेत की एक छोटी पहाड़ी अथवा टीला को सैंड ड्यून कहते हैं।
इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद इसको याद करेंगे।